नमस्कार दोस्तों, एंड टॉक ऑफ द टाउन रिलायंस, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग फंस गए हैं। अगर जो मैंने वीडियो सुबह सुबह में स्पेशली बना के गया था, मुझे पता था कि लोग इसमें सी बाई करके बैठे हैं, ठीक है, और ये नीचे आया तो 2100-2150 के बीच में इसमें वहाँ पे डेफिनेटली बाई बनता है। तो उसी हिसाब से मैंने अपडेट दिया कि जुलाई मंथ का छोड़ के अगस्त मंथ की सी बाई करी जाए, ठीक है, और जो मैंने बाई की वो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दी। पर उसमें अभी कई लोगों ने क्या किया है कि बेइंतहा बाई कर लिया है, ठीक है। मैं मेरी बात ये समझ लीजिएगा, जब भी आप ऑप्शन में पूरी दौलत लगा दोगे ना, आपको ठुकने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ठुकने से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन गेम है, आप उसमें एक लॉट पे या मैक्सिमम दो लॉट पे खेलिए, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट देगा ना। जैसे ये जो आप गेम खेल रहे हो 2300, ये आप एक एंटिसिपेट करके चल रहे हो कि मान लो जुलाई मिड में या जुलाई एंड तक 2300 आ गया तो आपका एक दो लॉट में ही पैसा बन जाएगा यार, वो लॉटरी है। अब आप एक तो खरीद लॉटरी रहे हो और लॉटरी भी खरीद रहे हो तो फिर अपनी पूरी दौलत लगा के खरीद रहे हो, तो ये मूर्खता है, ठीक है, मूर्खता है ये। सी जो है, जो ब्रेकआउट पे हमेशा सी और पी कब लेनी चाहिए, या तो कभी ब्रेकडाउन हुआ हो या कभी ब्रेकआउट हुआ हो। ब्रेकआउट हुआ हो किसी चीज़ का तो सी लीजिए, ब्रेकडाउन हुआ हो तो किसी चीज़ का पी लीजिए। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, रिलायंस की भी कुंडली मैं खंगाल दूंगा पूरे अच्छे तरीके से, तसल्ली हो जाएगी आपके दिलों को। पर जो लोग सट्टा खेल रहे हैं मैं उनको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक आप देखेंगे चीज बनी, ठीक है, ये इसमें फिर क्या हुआ, ये कंसोलिडेट करने चला गया ये, ठीक है, और ये कम से कम भी इसका पूरा एक से डेढ़ महीना था इस कंसोलिडेशन पीरियड में। मैं थोड़ा जूम करके आपको अच्छे से सिखाता हूं कि सी पी को खेला कैसे जाता है ये, ठीक है। ये इसका पूरा कंसोलिडेशन चलता रहा, एक दिन, दो दिन, तीन, कम से कम एक से डेढ़ महीना है ये। तो जब इसने इस वाली कैंडल में इसका ब्रेकआउट दिया, समझ लीजिए कितना, 2140, तो आपको 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड लेना है, या तो 2180 की सी ले लीजिए या 2200 की सी ले लीजिए, ठीक है, कायदे से तो 2140, 2160 की लेनी चाहिए, ठीक है, और 2 से 3 दिन मैक्सिमम इसको राइड करिए। यहाँ पे पहुँच गया, अभी इसने आपको ये लेवल दिखा दिया 2320 का लेवल दिखा दिया, अगले दिन फिर वहाँ कंसोलिडेट करता रहा, अगले दिन फिर, तो निकलो बुक, मैक्सिमम 2 से 3 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है सी पी को। ये तो हो गया सी लेने का तरीका, ठीक है, ये कोई सी लेने का तरीका नहीं है कि यहाँ पे आप लेके बैठ गए कि भैया रिलायंस तो भाग रहा है, 2500 की सी ले लेता हूँ, तंबूरा मिलेगा तंबूरा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, AGM के बेस पे सब कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, वो भी फ्लैग पैटर्न है और ये भी फ्लैग पैटर्न है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसने फ्लैग बनाया, इसमें जो इसने फ्लैग का, ये अप ट्रेंड वाला फ्लैग था, ठीक है, ये अप ट्रेंड वाला फ्लैग था ये। आप कभी भी देखिएगा जब ऐसा फ्लैग बनता है ना, 70-80% उसमें डाउन ट्रेंड ही आता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और जब भी ऐसा फ्लैग बनेगा ये वाला, मैं आपको बताता हूँ, कभी ये पोल बना, ठीक है, आप देखिएगा हमेशा, ठीक है, इसमें कभी ऐसा फ्लैग बना नीचे की तरफ तो हमेशा ऊपर का मूव मिलेगा आपको 80-90%, ठीक है। और कभी ये जैसा अभी रिलायंस का फ्लैग बना था, ये फ्लैग बना ऐसा, ठीक है, ये वाला, ये देखेंगे आप यहाँ पे, इसमें हमेशा डाउन मूव बनता है, रुक जाओ 5 मिनट, ठीक है।
तो अभी हम आगे की बात करते हैं कि भैया इसमें करना क्या चाहिए। एक तो आप देखो यार, AGM है, दुनिया मतलब इंतज़ार कर रही है, लोग वहाँ AGM में उसकी YouTube में जाके नीचे लिख रहे हैं भाई जल्दी जल्दी बोल ले, इसकी सी बाई कर रखी है, हमेशा भीड़ में चलोगे कभी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे इसका जरूर बाई बनता था और मैंने भी बाई किया है। ठीक है, रीज़न कि स्टॉक एक तो बुलिश ट्रेंड में और बहुत महीनों का इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट दिया था महीनों का, और एज पर EMA 10 EMA ऊपर है, 20 EMA ऊपर है, 50 EMA ऊपर है, बहुत ज़बरदस्त बुलिशनेस बनी हुई है। और जब इसने 20 EMA के यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, 50 EMA पे इसने अपना सपोर्ट लिया है, ये देखिए। और यही चार्ट मैंने यहाँ पे गोला खींच के आपको ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि भैया ये यहाँ पे नीचे ज़रूर जाएगा, विग बना के यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अब ठीक है, SLA अगर आपकी कोई भी क्लोजिंग 2100 के नीचे आ जाती है तो भैया मैं तो निकल जाऊंगा, मैंने एक लॉट ले रखा है, आप लोगों को भी एक ही लॉट बोला था। दूसरी बात, ठीक है, अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आई तो आपको डेफिनेटली फिर ये लेवल देखने को मिलेगा जो है 20,060, और उसके भी नीचे आपको उन 2000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, अगर इसने 20,080 को तोड़ा तो 20,060, 20,060 को भी तोड़ा तो 2000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, और अगर ये 10 EMA, मैं आपको दिखाता हूँ, इसने 20 EMA को क्रॉस कर दिया तो ये लाइन छूने आएगा फिर ये 1940-50 की, और ये हो सकता है यहाँ पे आते आते 1950-60 हो जाए। क्या बोला मैंने, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये 10 EMA है, ये 20 EMA है, दोनों ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। 10 EMA ने नीचे क्रॉस किया, 20 EMA ऊपर रह गया, 10 EMA नीचे क्रॉस हो गया, बेरिश क्रॉसओवर होता है, ट्रेंड चेंज हो गया, ये नीचे आया, इसने इस लाइन को सपोर्ट किया और इस लाइन को इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। इस लाइन का सिग्निफिकेंट मैं वीकली चार्ट में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ लीजिएगा 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग आ गई इसकी, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ गई इसकी जिस दिन इसका, तो आपको पक्का 1950-1960 दिखेगा रिलायंस में। ठीक है, वहाँ पे सतर्क हो जाइएगा, वहाँ पे सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर ये 50 EMA के ऊपर ही रहेगा। अब ये चलेगा नहीं चलेगा, कंसोलिडेट करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए भाई हमने अगस्त तक का टाइम ले लिया है, उस पोजिशन को देखते हैं। सिंपल सी बात है, मैं कोई यहाँ पे आपको लुभावने सपने नहीं दिखाना चाहता, एज पर EMA जो बुलिश ट्रेंड इसने दिखाया हुआ है, गैप काफ़ी है 2167 पे और 2187 पे, दोनों में 20 पॉइंट का गैप है जो अच्छा खासा है, जो अच्छा खासा है। तो 50 EMA पे आके एक बार ये जंप जरूर देगा, एक बार जंप जरूर देगा ये, जैसे यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, EMA की कहानी है ये रेड कैंडल दिख रही है, ये 50 EMA को तोड़ के नीचे आया, अगले दिन एक जंप जरूर दिया इसने। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, फिर ये इस 200 EMA के पास आया, येलो वाली लाइन पे इसके पास आती, फिर एक अप जंप जरूर दिया इसने, तो एक बुलिश कैंडल तो बनेगी। ठीक है, उसमें भैया आप लोग डिसाइड कर लेना, आप लोग को निकलना है, आप लोगों को रहना है, आप लोगों को क्या करना है। एक निशानी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर इन दोनों का क्रॉस ओवर नहीं हो सकता है तो आप अपनी पोजीशन कैरी कर लीजिए, बट अगर 10 EMA ने 20 EMA को काट दिया नीचे की तरफ तो फिर भैया ये लाइन छूने आएगा, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, बाकी एक जंप जरूर मिलेगा जो मेरे EMA की स्टडी बोलती है, दैट्स इट। इन ये दुआ करिए ये 10-20 को ना काट दे नीचे की तरफ। अब आ जाइए इसके वीकली चार्ट, यह है दोस्तों इसका वीकली चार्ट, इसमें जो हाई लगाया था ना सितंबर में ही लगाया था, और निफ्टी को 12,400 प्लस कराने में सबसे बड़ा योगदान इस स्क्रिप्ट का ही था, जो निफ्टी की 50 लोगों की बस है ना, उसका ड्राइवर है भाई रिलायंस। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 2018-17 से ये ट्रेंड लाइन, इसको ऐसे नीचे ऐसे नीचे ऐसे, इसको इसने तोड़ा, इसने इसको तोड़ा आया, फिर अब ये इसी पे रेस्ट ले रहा है, तो ये इससे नीचे तो नहीं जा सकता, इससे नीचे तो कतई नहीं जा सकता ये, तो नीचे आया भी तो वर्स्ट टू वर्स्ट ये 1960-1970 इसका लेवल दिखा सकता है, इससे नीचे रिलायंस नहीं जाएगा। तो जो कैश में बैठे हैं
वो फिलहाल बैठे रहिए, ठीक है, वो फिलहाल बैठे रहिए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सी और फ्यूचर लेके बैठे हैं, मैंने उनको यहाँ पे ही बता दिया है, ये 10 अगर 20 के नीचे आ गया तो चुपचाप निकल जाना, चुपचाप निकल जाना। नहीं आता है तो भाई एक जंप मिलेगा, मिलना चाहिए 50 EMA 100 EMA आसपास, एक जरूर जंप मिलना चाहिए, उसमें अगर आपको निकलना है निकल जाना, और ये कंसोलिडेट करता रहा तो भी आपकी सी खत्म हो जाएगी, आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए। अब आ जाते हैं मेरा क्या व्यू है, ठीक है भाई। देखो ये स्टॉक ने पिछले 6 महीने से एक ये राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर एक ये राउंडिंग बॉटम बनाया, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि तीसरा भी कोई ऐसे राउंडिंग बॉटम बनाए। मैंने ऐसे पैटर्न अब तक नहीं देखे, मैक्सिमम ये दो बार में पूरा डब्लू बन जाता है। अब तक जितने मैंने चार्ट पढ़े हैं उसमें ये ऐसे आता है, ये नीचे की तरफ बनता है, फिर एक और नीचे तरफ टच करता है, ये 90% डब्लू कंप्लीट होता है, 90% बोल रहा हूँ। और ये ऐसा पैटर्न तो भैया मैंने बहुत नहीं देखा ऐसा पैटर्न, ये वाला, ये एक कटोरा, ये दूसरा कटोरा, ये तीसरा कटोरा, ऐसे पैटर्न तो भाई नहीं देखे मैंने। पता नहीं इसके बहुत ही मुझे रेयर चांसेस लग रहा है दोबारा इस लाइन के पास आएगा, इसे यहीं से जंप मारना चाहिए, ठीक है। एक वो चीज़ देख लीजिए आप, दूसरा ये है तो कप टाइप भाई, ठीक है, ये जो है ये है तो कप टाइप, बट इसका जो हैंडल है ना, ये हैंडल ऐसा बना है, जबकि हैंडल ऐसा नहीं बनता, ठीक है। हैंडल कैसा बनता है, हैंडल हमेशा ऐसे बनेगा, फिर उसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस इसमें क्या होता है। दो चीजें मैंने आपको बता दी है, सावधानी जिसको रखनी है, फ्यूचर एंड क्या कहते हैं सी वालों को, 10-20 का क्रॉसओवर ना हो जाए, और जुलाई की पोजीशन आप अपनी अगस्त में कन्वर्ट कर लें, जितना जल्दी उतना बेहतर है, ठीक है। और नहीं तो भाई कंसोलिडेट करता रहेगा, एक लॉट है, दूर का हमने सट्टा खेला है भाई, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, थोड़ी स्टडी बेस्ड दाव लगाया है, क्योंकि चार्ट मुझे नहीं लगता तीसरा राउंडिंग बॉटम टाइप बनेगा, यहाँ से इसको जरूर जंप मारना चाहिए, और 2100 के करीब आपको रिलायंस क्या सॉरी 2200 के करीब एक बार जरूर मिलना चाहिए, एक बार जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ये था रिलायंस, रिलायंस का यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने थोड़ा इसकी वो पढ़ी है RSI वगैरह, तो भैया एक थोड़ी बहुत गिरावट फिर से आ सकती है गिरावट, ठीक है, 30-40 पॉइंट की गिरावट एक बार फिर से दिखा सकता है, बाकी उसके बाद फिर इसमें जंप आना चाहिए, और क्लोजिंग मुझे नहीं लगता इसकी इस लेवल के नीचे आएगी। कहाँ गया डेली 50 EMA के नीचे क्लोज देने का मतलब है आपको फिर डेफिनेटली 2060 भी टूटता हुआ मिलेगा, ठीक है, 2060 भी टूटता हुआ मिलेगा अगर 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देगा। और फिर इसने नहीं जंप मारा अगले एक दो दिन में, तो आप देख लेना जैसे ही 10 और 20 का क्रॉस ओवर हो अपनी पोजीशन काट देना भाई, फिर तो ये 1960 का भी लेवल दिखाएगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही था गाइस रिलायंस, अपना व्यू मैंने आपको बता दिया है, अपनी एनालिसिस आपको शेयर कर दिए। सी फ्यूचर वाले के लिए मैंने दो इंडिकेशन बता दी हैं, 50 EMA के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, और अगर कंसोलिडेट करता रहे तो 10 और 20 का क्रॉसओवर जिस दिन हो उस दिन अपनी पोजीशन से निकल जाना, और एक जंप मिलना चाहिए एज पर EMA जो मेरी स्टडी है, एक जंप आपको जरूर मिलेगा, और वो आपको 2170-2180 यहाँ तक जरूर दिखा सकता है, उसमें भैया जिसको जो फंसा पड़ा है निकलना चाहे निकल सकता है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।